फ्रेंड्स सब्सक्राइब कीजिए वाईफाई स्टडी चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट एग्जाम वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू वाईफाई स्टडी चेंजिंग द वे ऑफ लर्निंग। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है सिंपलीफिकेशन के ऐसे 10 क्वेश्चन करने वाले हैं जो आपकी सारी ट्रिक्स फेल हो जाने वाली हैं, और एक ऐसी शानदार वाली ट्रिक आपको देने वाला हूं जो आपको बहुत पसंद आएगी। ये वीडियो पूरी देखना, 10 के 10 क्वेश्चन डिफरेंट हैं, 10 के 10 क्वेश्चन में पूरा सिंपलीफिकेशन खत्म हो जाएगा और हर वो चीज आपको पता लग जाएगी कि इसका आंसर कैसे देना है विद इन 30 सेकंड। ये मेरा आपसे वादा है, तो पूरी वीडियो देखना, इस वीडियो को लाइक जरूर करना, अपने फ्रेंड्स तक शेयर भी करना, और कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिख देना। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना दोस्तों। चलिए चलते हैं, देखिएगा। ओके फ्रेंड्स, ये है हमारा पहला क्वेश्चन। अब मेरी आप बात सुन लीजिए कि जो मैं कहना चाहता हूं उसको ध्यान से सुनिएगा दोस्तों, कि मैं ये कहना चाहता हूं कि जो ये वीडियो है ना, ये आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाली है, क्योंकि कुछ अपन नया सीखने वाले हैं, तो पूरा फोकस आप इस वीडियो पे रखना और एक एक क्वेश्चन को अच्छे से समझना कि मैं कैसे समझा रहा हूं। यहां डिजिटल रूट मेथड सब फेल हो जाते हैं ऑप्शंस से। आपको पता है डिजिटल रूट मेथड होता क्या है? जो हमारे नंबर्स होते हैं उनको काउंट करते हैं, अगर सेम आ गए तो फंस जाते हैं। तो मैं ऐसे क्वेश्चंस आपको डिजिटल रूट मेथड से नहीं बताने वाला हूं। ये एक यूनिक मेथड है जो आपको पता होना चाहिए और बहुत अच्छा मेथड है, और कैसे हम आंसर देंगे ये भी मैं आपको बताऊंगा। 10 क्वेश्चन हैं, 10 के 10 नए टाइप के हैं, बिल्कुल आपको ये वीडियो अच्छा लगने वाला है, तो समझिएगा इस क्वेश्चन को कैसे करते हैं। देखिए, मेरा कंसेप्ट आप जनरली जानते होंगे कि मैं यूनिट डिजिट से करता हूं और इसका आंसर हमें यूनिट डिजिट से देना है, ठीक है। क्वेश्चन मार्क हमें फाइंड आउट करना है, तो सबसे पहली चीज मैंने आपको बताई है कि अगर क्वेश्चन मार्क अगर रूट में हो, मतलब रूट में हो या फिर रूट क्यूब में हो, समझ रहे हैं, रूट क्यूब मतलब ऐसे हो, ठीक है, तो जो आंसर आएगा, मतलब जो आंसर आएगा, आंसर में हमेशा क्या पूछता है कि क्वेश्चन मार्क फाइंड आउट करो, यही तो पूछता है ना। जो आंसर आएगा वो आएगा बड़ा, ठीक है, अगर रूट में हो तो बड़ा आएगा, अगर ऐसे होता, ठीक है, और अगर स्क्वायर में होता और रूट क्यूब में होता तो आंसर आएगा छोटा। तो ये चीजें छोटी छोटी टिप्स हैं जो कि मैं आपको बता रहा हूं, आप बिल्कुल इन चीजों को याद रख लें दिमाग में, क्योंकि कॉमन सेंस और प्रेजेंस ऑफ माइंड से ही ट्रिक बनती है, और वो सब चीजें जो मैं आज आपको बताऊंगा वो आप अच्छे से जानते हैं, बस आपके दिमाग में जो चीजें नहीं है उनको मैं साफ करने वाला हूं बस, ठीक है। तो हर चीज को मैं आपको बताऊंगा, तो समझिएगा दोस्तों इस क्वेश्चन को किस तरीके से करेंगे, कैसी ट्रिक से करेंगे, देखिएगा। ओके दोस्तों, देखिए कैसे करने वाले हैं, बहुत आसान तरीके से इस क्वेश्चन को करेंगे और आपके एक मिनट में दिमाग में सेट हो जाने वाला है। देखिए 7 का स्क्वायर क्या होता है, मतलब यूनिट डिजिट से करने वाले हैं तो यूनिट डिजिट्स का मतलब रखूंगा। 7 का स्क्वायर क्या होता है, 49, तो 9 मेरा आ गया, बस 9 आ गया। देखिए कितना आसान कर दिया इसको मैंने, 9 आ गया। अब आपको पता है मल्टीप्लीकेशन 6/9 है, तो ऑब्वियस सी बात है पहले 9 सॉल्व होता है भाई, पहले डिवाइड सॉल्व होगा ना। वर्ड वी वर्ड मास अब हमेशा अपने दिमाग में रखें दोस्तों, ये बात और कहना चाहता हूं कि जो वी वर्ड मास वाला रूल है वो अब हमेशा अपने दिमाग में रखें, ये इसी से ही सारे क्वेश्चन सॉल्व होने वाले हैं, और वही ट्रिक हमारा। अगर यहां तुम फेल हो गए, इस चीज को लगाने में फेल हो गए, तो आंसर में थोड़ा सा प्रॉब्लम आ सकता है, ठीक है ना। तो ये चीज जो मैं बता रहा हूं बिल्कुल फोकस रखें, बहुत आसानी से आंसर देने वाले हैं इस क्वेश्चन का भी हम, ठीक है। तो वी वर्ड मास के थ्रू क्या होता है, पहले डिवाइड सॉल्व होगा फिर मल्टीप्लीकेशन सॉल्व होगा, यही तो कहते हैं, ठीक है, और उससे पहले ऑफ सॉल्व होता है, यहां ऑफ है नहीं तो मैं बात नहीं कर रहा उस बारे में, ठीक है। तो सीधी सी बात है, 9 से 9 कट गया तो मेरा आ गया 6, ठीक है, यहां तक ठीक है। अब क्या है, प्लस है तो कोई बात नहीं, 7 का क्यूब क्या होता है, 343, उसका यूनिट डिजिट 7 का क्यूब 343 यार, 7 × 7 = 49, 49 × 7 = 3, तो 3 आ जाएगा यहां पे। अगर आपको पता नहीं है ना तो आप ऐसे किया कि ये देखिए 7 7, तो यहां से आ गया 9, 9 का बस 7 से करना है तो क्या आ जाएगा 3, यूनिट डिजिट तो लेना है बस, 63 का 3 तो 3 आ जाएगा, बस आपको 3 से काम करना है। आपको क्यूब भी नहीं आता तो कोई भी टेंशन नहीं है, आंसर हमारा आएगा, ठीक है। ये स्लो ले रहा हूं, एक एक सेकंड में 30 सेकंड में हम क्वेश्चन कर लेंगे, ठीक है ना। तो देखिए 3 आ गया यहां से, अब क्या करना है आपको, प्लस 71 का 1 ले लिया, ठीक है फ्रेंड्स, अब देख समझ रहे हैं ना आप चीजें, 71 का 1 ले लिया मैंने। अब आपको उस बात समझनी है कि क्या हो गया, है ना, 6 3 1 क्या है, 10 हो गया, 10 का कितना हो गया 0, तो 0 आ गया मेरा यहाँ पे, अब मेरा 0 है सिर्फ यहाँ पे, है ना। अब आप ऑब्वियस ही बात है ये 431 उठ के यहाँ पे आएगा, तो 431 का यूनिट डिजिट क्या है, 1 है ना, तो ऑब्वियस ही बात है 1 प्लस का हो जाएगा, तो यूनिट डिजिट लास्ट में क्या बचा मेरा, प्लस 1, 1 ही तो बचा, बस कॉमन सेंस है ये, आपको खोल के बता रहा हूँ, आप यही एक ही लाइन में इसको खत्म कर सकते थे बस, कि यहाँ से निकाला फटाफट प्लस 1, प्लस 1 आ गया, अब यूनिट डिजिट 1 आना चाहिए दोस्तों। तो अब देखिए यहाँ पे क्यूब है, रूट का मतलब इसका क्यूब है,
और यूनिट डिजिट वन आना, यूनिट डिजिट वन आना चाहिए, तो ऑब्वियस सी बात है वन का कुछ भी कीजिए, वन का रूट लीजिए, वन का क्यूब कीजिए, वन का दस कीजिए, कुछ भी कीजिए, आंसर वन ही आता है। तो अब रूट वन बाई थ्री लेंगे तो भी यूनिट डिजिट क्या आने वाला है, आंसर का भी वन आने वाला है, तो ऑप्शन में आंसर वन आने वाला है। तो अब मैंने आपसे कहा था जब ऊपर बड़ी घात हो, मतलब थ्री है, तो मैंने बोला था ना थोड़ी देर पहले समझाया था कि रूट वन बाई थ्री हो तो हमारे पास आएगा बड़ा, क्वेश्चन मार्क के अंदर रूट रूट वन बाई थ्री हो तो आएगा बड़ा, और अगर ऐसे हो क्यूब हो, ठीक है, मतलब ये क्यूब हो तो आएगा छोटा, ठीक है। तो अब आपको ये क्यूब दे रखा है तो आंसर हमारा क्या आने वाला है, छोटा आने वाला है, तो ऑब्वियस ही बात है 11 आंसर आ जाएगा, 11 स्क्वायर आंसर आ ही नहीं सकता है किसी भी कीमत पे, क्योंकि आपको पता है यहां अगर 6 होता क्या 11 की पावर 6 कितना बड़ा हो जाता है, तो कॉमन सेंस भी लगाइए, तो 11 की पावर 6 बन रहा है क्या, कहीं से भी नहीं बन सकता दोस्तों, क्योंकि 5 ये देखिए 729 इंटू मतलब इसको 9 डिवाइडेड बाई 9 करूंगा इंटू 6 करूंगा तो ये बहुत छोटा टर्म हो जाएगा, और 7 का क्यूब 343, तो 11 का क्यूब ही 1131 होता है, तो 11 की पावर 6 हो सकता था क्या यहाँ पे, पॉसिबल ही नहीं है दोस्तों, इसलिए इसका आंसर ए आ जाएगा। आई होप आपको ये सारा कंसेप्ट समझ में आया होगा, ये यूनिट डिजिट का कंसेप्ट है और छोटे बड़े का जो मैंने आपको बताया वो कंसेप्ट है, कि अगर पावर क्यूब में हो तो ये बड़ा आएगा, पावर क्यूब में हो तो छोटा आएगा, अगर रूट क्यूब में होती तो बड़ा आता आंसर, चीज समझ में आ रही है, यही कंसेप्ट आपके लगने वाले हैं अगर ऐसे क्वेश्चन आ गए तो। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा, मेरा उद्देश्य क्या था, आपको हर चीज एक तरीके से डिस्कस करना, इसी तरीके से हम सारे क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं, ये आपको एक ट्रेलर था जो छोटे छोटे तरीके से मैंने बताया है, अब आगे देखना आप बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन करने वाले हैं बहुत आसानी से। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है, समझिएगा मैं बोल रहा हूं बार बार कि ये सेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, पूरा सिंप्लीफिकेशन क्लियर हो जाएगा, एक भी डाउट नहीं आएगा, ठीक है। अब नया कंसेप्ट है इस क्वेश्चन में, सीधी सी बात है आपको पता है ब्रैकेट पहले सॉल्व होता है वी वॉडमोस रूल से, तो पहले क्यों ना हम ब्रैकेट सॉल्व करें, और सबसे पहली बात है इस क्वेश्चन की थॉट कैसे आई है, अब इस क्वेश्चन को देखेंगे तो आप घबरा ना जाएं, इसलिए मैं आपको बता देता हूं ये क्वेश्चन बहुत आसान है, आप इस क्वेश्चन को 30 या 40 सेकंड में कर सकते हैं, देखिएगा कैसे। सबसे बड़ी बात है क्लू कहां से निकालेंगे, सबसे बड़ा इशू आता है कि क्लू कैसे निकालेंगे, ऑब्वियस सी बात है अभी यहां इनटू ना कीजिए, आप इनटू मत कीजिए, सिर्फ आप देखिए कि कौन सी चीज मैं डिविजिबल कर सकता हूं, तो ऑब्वियस सी बात है 130 बाई डिवाइडेड बाई 9 है ना, और ब्रैकेट पहले सॉल्व होता है, तो क्यों ना मैं, आप जानते होंगे 15 का पाड़ा, 15 का टेबल में क्या आता है 15 नम्मा 135, तो सीधी सी बात है ये 15 की पावर 10 हो गया फ्रेंड्स, ओके। अब यहां से आपका एक कंसेप्ट बिल्डअप होगा, यही क्लू है इस क्वेश्चन का, क्लू कहां से आता है, यहीं से आता है कि क्यों ना मैं 15 से ही कुछ ना कुछ रिलेशन निकालूं, ठीक है। तो अब ऑब्वियस ही बात है आपको पता है ये मेरा लेफ्ट हैंड साइड है, ये राइट हैंड साइड है, जो इक्वल में दे रखा है ये राइट हैंड साइड है दोस्तों, और क्वेश्चन मार्क हमें फाइंड आउट करना है जो कि आपको दिख रहा होगा, समझ में आई, ये 3.75 है, ठीक है, 3.75 इंटू 4 है पावर में क्वेश्चन मार्क माइनस 6, क्वेश्चन अच्छा है ध्यान से समझिएगा, ये हमारा लेफ्ट हैंड साइड, ये राइट हैंड साइड। अब आपको पता है अगर ऐसे क्वेश्चंस आ जाएं तो राइट हैंड साइड में जो ऊपर की राइट हैंड साइड का जो बेस है वो ये पूरा बेस बराबर करना पड़ता है, और जब पावर को पावर से कंपेयर कर लेते हैं, आई होप आपको ये कंसेप्ट पता होगा। तो अब देखिए यहां मैंने 1500 निकाल लिया, यहीं से मेरा क्ल्यू बना, तो मैं क्यों ना 4 को इससे इंटू करके देखता हूं 3.75 से, तो 3.7 ये मैं ले रहा हूं लेफ्ट हैंड साइड ले रहा हूं फ्रेंड्स, आप कंफ्यूज नहीं हो इसलिए मैं बता देता हूं, 3.75 को मैं 4 से मल्टीप्लाई कर रहा हूं, और इसकी पावर मेरे पास क्या है -6, यही तो है, ये मैंने इधर लिख दिया है आपको समझाने के लिए। तो देखिए इनटू कैसे करेंगे ये भी मैं आपको बताने वाला हूं, तीन तो तीन है अलग है बिल्कुल, ठीक है, 0.75 को क्या लिखते हैं आप 3/4, ठीक है, क्या मैं इसको लिख सकता हूं ना 3+3/4 लिख सकता हूं, इंटू 4 करना है मुझे, तो आपको पता है 4 3 12 होता है 12, और इससे इंटू करेंगे ब्रैकेट में है ना ये, तो 4 से 4 कट गया 3, तो कितना आ गया 15, तो ये एक तरीका है, देखिए 0.75 को मैंने प्लस में लिख सकता हूँ ना, क्योंकि आपको पता है 3+0.75 ही तो होता है 3.75, तो 0.75 को मैंने 3/4 लिख दिया, इतना सा काम किया है बस, तो ये चीज़ें आपको सीखनी होंगी फास्ट कैलकुलेशन के लिए, ठीक है ना फ्रेंड्स। तो मैं यहाँ से आपको समझा के आगे बढ़ता हूँ, देखिए ये 15 हो गया, तो आपको पता लग गया 15 बन गया अब हमारा, तो अब आपको यहाँ से कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर हो गया कि ये 15 हो रहा है, तो ये सारी टर्म 15 की टर्म में कहीं ना कहीं आने वाली है, और हमारा आंसर आ जाएगा, क्वेश्चन मार्क जो हमें निकालना है ये आ जाएगा, कैसे करेंगे अब देखिएगा, ये चीज़ समझ में आएगी, ये 15 की पावर क्वेश्चन मार्क माइनस 6 बन गया, ठीक है, ये राइट हैंड साइड है, ओके फ्रेंड्स, मैंने राइट हैंड साइड को यहां पे लिख दिया, अब लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व करने की बारी आ गई है कि कैसे सॉल्व करेंगे, क्योंकि हमें पता है कि 15 ही दोनों तरफ बेस आना चाहिए तभी हमारी पावर कंपेयर हो पाएंगी, यही बात है, तो लॉजिक यही है, देखिए यहां से तो 15 की पावर 10 निकल ही गया है,
अब बात आई इस पार्ट की और इस पार्ट की, तो क्यों ना मल्टीप्लाई करके देख ही लेते हैं, क्योंकि हमें पता है 15 की पावर में कुछ ना कुछ बनने वाला है। तो मल्टीप्लाई कैसे करेंगे ये भी मैं आपको बताऊंगा। देखिए 6 × 30 होता है, ठीक है, तो ऑब्वियस ही बात है एक जीरो लगाते हैं अपन, तो जीरो तो खत्म हो गया, 3 आ गया हमारे पास, ठीक है, 3 हमारा कैरी चला जाएगा, तो 6 × 12 करेंगे प्लस 3 करेंगे तो कितना आ गया 15 का पावर एक, मतलब कैरी एक हो गया, 6 × 36 मतलब 6 × 36 प्लस 37, ठीक है 37 हो गया, फिर पावर आ गया 3, 6 × 35 35, ठीक है सॉरी 6 × 30 होता है, 6 × 5 = 30 प्लस 3, तो 3375 की पावर 6 हो गया फ्रेंड्स। आई होप आपको समझ में आया होगा, बस मैंने मल्टीप्लाई किया 6 से। आप कैसे भी कर सकते हैं, जितना फास्ट करेंगे उतना आपके लिए हेल्पफुल है, लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि ये होता क्या है, ये फ्रेंड्स होता है 15 का क्यूब, ये होता है हमारे पास 15 का क्यूब, तो इसका भी 6 करना है, क्योंकि आपको पता है ये 15 का क्यूब होता है और हमें सारी पावर 15 की टर्म में हमें कन्वर्ट करनी है सारी पावर्स, ठीक है फ्रेंड्स। तो अब देखिए 15 का क्यूब की पावर 6 ये हो गया। अब आपको पता है भाग है, तो ऑब्वियस ही बात है डिवाइड पहले सॉल्व होता है और अपॉन में आ जाएगा, अपॉन में ये वाला पार्ट आएगा, तो ये वाला पार्ट क्या था 15 की पावर 10, ठीक है, इनटू भाई सीधी सी बात है आपको ये पता है, ये वाला पार्ट मैं नीचे ले आया। अब यहाँ भाग था, ठीक है, यहाँ डिवाइड था ना, ये वाला डिवाइड यहाँ था इस वाले पार्ट का, तो इसको भी इनटू कर लीजिए, इसको इनटू करने पर क्या आएगा 6 × 30, ठीक है 0, ठीक है, फिर क्या आया 3 × 7 = 42 और 3 × 45, 45 × 4 = 18 और 4 = 22, तो ये आ गया 225। आपको पता है पॉइंट एक पॉइंट के बाद जीरो खत्म, तो उसके बाद ये आ गया पावर 7। तो अब इसको क्या लिख सकते हैं आप, 15 का स्क्वायर लिख सकते हो। अब डिवाइड करना है तो नीचे नीचे पूरा पार्ट नीचे आ जाएगा, तो इसको मैं ये लिख सकता हूँ ना फ्रेंड्स 15 का स्क्वायर की पावर 7, यही तो लिखना है। बस सारी चीज आपको खोल खोल के बता रहा हूं मैं कि बस ये आप खत्म कर दीजिए, यहां से ये चला जाएगा और ये सीधा डिवाइड में आ जाएगा। आपको पता है 15 की टर्म में पूरा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है हमारा, बस आपको क्या करना है सॉल्व करना है। तो अब देखिए यहां मैंने बोला था कि पावर के ऊपर पावर हो तो मल्टीप्लाई हो जाती है, तो 18 आ गया, ठीक है, और नीचे पावर हो तो माइनस हो जाती है, तो यहां कितनी है 10 और 7 × 14, भाई पावर के ऊपर पावर है ना, तो 7 × 14 और 10 = 24, तो -24, तो कितना आ गया यहां से निकल के -6 आ गया ना, बराबर में पावर कितनी थी हमारे पास क्वेश्चन मार्क -6, तो -6 से -6 चला गया और क्वेश्चन मार्क बराबर आ गया 0, तो इसका आंसर हमारा आ जाएगा 0 फ्रेंड्स, ठीक है। तो इस तरीके से आपको ऐसे बड़े बड़े क्वेश्चंस भी आसानी से आंसर दे सकते हैं, बस आपको कन्वर्ट करना, क्ल्यू पकड़ना ये जरूरी है जानना, इसलिए मैं सारे क्वेश्चन आपको अच्छे अच्छे कराने वाला हूं आज कि आप सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाएं आपके, ठीक है फ्रेंड्स। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ओके फ्रेंड्स, अब ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है आपके सामने, ऐसे स्टूडेंट्स को कंसर्न भी आए थे बहुत सारे क्वेश्चन की, सर इन क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है। बिल्कुल हम यूनिट डिजिट मेथड से करेंगे, लेकिन हमें हर चीज से अलर्ट रहना है, क्योंकि ट्रिक्स की खुद की अपनी लिमिटेशंस होती हैं और अपने माइंड की कोई लिमिटेशंस नहीं होती, तो अपने आप पे भरोसा रखें, ऐसे क्वेश्चंस आपका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते दोस्तों। तो देखिए इन क्वेश्चंस को कैसे करते हैं, एक ही तरीका बताऊंगा, वो माइंड में सेट हो जाने वाला है और ऐसे क्वेश्चन में कभी आप अटकेंगे नहीं, सिर्फ और सिर्फ ध्यान रखना जरूरी है। तो अब क्या करना है, प्लस प्लस की टर्म को एक तरफ, माइनस माइनस की टर्म को एक तरफ, बस जो जो चीज बोलूंगा वो ध्यान रखना। ऑप्शन आपके सामने दिए होते हैं एग्जाम में भी, तो मैंने सारे ऑप्शन लिख दिए हैं, ये पॉइंट है जो कि आपको पता लगना चाहिए, सारे पॉइंट्स हैं, ठीक है ना फ्रेंड्स। तो ये आपको सब चीज समझ में आ गई। अब हम आंसर देखें कैसे, देखें आपको पता है ये प्लस है और ये दोनों माइनस है, तो बस सॉल्व करना है ना कैसे करेंगे। देखिए पहले 7 लीजिए, 7 ले लिया मैंने, 7 और 3 कितना हो गया मेरा 10 हो गया, ये पहली टर्म की बात कर रहा हूं मैं, जो पहला हमारा ये आएगा बस उसकी बात कर रहे हैं, 10 हो गया ना। अब माइनस के देखते हैं, तो माइनस में पहला आ रहा है 1 और -4, तो कितना आ गया -5, तो ऑब्वियस सी बात है यूनिट डिजिट तो 5 आएगी दोस्तों, यूनिट डिजिट 5 आएगी। तो क्या आप इन दोनों ऑप्शंस में से आप कौन सा लगाएंगे, पहला कंफ्यूजन, ठीक है, ये कंफ्यूजन भी मैं आपका दूर कर देता हूं कि आप कैसे लगाएंगे, ठीक है ना, फिर भी आपका आंसर गलत आने वाला है, ये भी मैं बताऊंगा कैसे, सब चीजें एक एक खुल के बताएंगे, क्योंकि जहां हम बता देंगे कि ये पत्थर यहां पे है तो आप वहां गलती नहीं करेंगे बिल्कुल भी, ठोकर तो बिल्कुल भी नहीं खाने दूंगा आपको, बस आप मेरे साथ बने रहिए। देखिए 5 यूनिट डिजिट 5 आ गया, तो अब क्या इन दोनों में से कंफ्यूजन होता है, ठीक है, सीधी सी बात है होता ही है, तो अब क्या करेंगे, सबसे पहले एक और मतलब एक कॉमन सेंस वाली चीज बता रहा हूं, ऑप्शन को चेक करना। देखिए 28 और 6 = 34 होता है, -14 और 2 कितना होता है 14 और 2 = 16, तो सीधी सी बात है माइनस के मैंने एक तरफ कर लिए और प्लस के मैंने एक तरफ कर लिए, ज्यादा अंतर नहीं है इसलिए कर रहा हूं, तो ये कितना आ गया मेरे पास निकल के 18 आ गया, ठीक है 18 आ गया फ्रेंड्स, तब ऑब्वियस सी बात है आपका आंसर 18 प्लस होने वाला है ना, तो 18 प्लस होने वाला है तो ये आंसर आएगा, है ना, आपके हिसाब से तो यही आंसर आना चाहिए, लेकिन फ्रेंड्स
हमेशा सतर्कता बरतनी जरूरी है। तो कॉमन सेंस तो आपका यहाँ तक सही चल रहा है कि हमारा 18 के बाद आंसर आएगा, आप डायरेक्ट टिक लगा के आंसर दे सकते हैं और आपका ऑप्शन आंसर गलत हो जाएगा। क्यों हो जाएगा ये भी मैं आपको बताऊंगा कि कहाँ हमें सावधानी बरतनी है। तो 18 तो आपको क्लियर हो गया ना यहाँ तक। अब मैं आपके आते हैं सीधी सी बात पे। जब आपको पता चल रहा है कि कन्फ्यूजन होना कहीं पे भी, तो मैं आपसे कहूँगा कि आप यूनिट डिजिट को बस दो बार चेक कर लीजिए। दो बार आप बोलेंगे दो बार कैसे चेक करना है, आप 18 को भी छोड़िए, आप 18 को भी छोड़िए, बस आप ये चेक कर लीजिए कि मैंने यहाँ तक काम कंप्लीट कर दिया है अपना। 7 + 3 = 10, 10 में से मैंने 5 घटाए, 5 हो गया, यहाँ तक कोई हमारी दिक्कत नहीं है, ठीक है। कैरी भी कोई फॉरवर्ड नहीं हुई है, ठीक है। अब क्या करना है, आपको दूसरी डिजिट जोड़नी है। तो 1, ठीक है, 1 लिया और क्या है प्लस में 7, तो कितना आ रहा है दूसरी में सेकंड डिजिट, मतलब 10th डिजिट के बारे में बात कर रहा हूँ दोस्तों, है ना, 10th डिजिट के बारे में बात कर रहा हूँ मैं। तो कितना आ रहा है हमारे पास, दहाई का अंक 7 और 1 8, ठीक है 8 आ रहा है। माइनस में क्या करना है, 4 और 3 = 7, ठीक है। तो सेकंड डिजिट हमारा 1 आना चाहिए। तो हमारा लास्ट में ऑब्वियस ही बात है, दहाई का अंक 1 आएगा और इकाई का अंक 5 आएगा, 15 आना चाहिए लास्ट में। कुल मिला के बाद टोटली बात यह है कि लास्ट में 15 आना चाहिए। क्या कहीं आपको दिख रहा है 15? नहीं दिख रहा ना, तो क्यों हम बी आंसर लगाएंगे, हमारा आंसर ई होगा फ्रेंड्स। यही क्वेश्चन सॉल्व हो गया, बस दो चीज करनी थी आपको कि पहले देखा हमने दो ऑप्शन कॉमन आ रहे हैं, मुझे आंसर नहीं देना है अभी, मैं बस एक और चेक कर लेता हूं फिर मैं आंसर दूंगा। एक और चेक किया आपने फटाफट से, आपका 1 आ गया तो 15 बनना चाहिए, बन रहा है और आप आंसर लगाएंगे ई। यही ट्रिक थी, यही कॉमन सेंस वाली चीज है, ये आप सबको पता है, लेकिन अब इंप्लीमेंट करेंगे आप क्वेश्चंस में और 30-30 सेकंड में इन आंसर को आप आसानी से क्लिक कर सकते हैं, ठीक है ना फ्रेंड्स। यही मेरा उद्देश्य था देना। अब मैं फोर्थ क्वेश्चन पे चलूंगा, वो भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से समझिएगा, हर कंसेप्ट आपके लिए यूजफुल है, इसलिए मैं स्लो लेके चलता हूं, मुझे जल्दबाजी नहीं है फ्रेंड्स, ठीक है। ओके फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन आपके सामने है, फिर से कुछ नया सीखने की बारी है, हर क्वेश्चन आपको कुछ सिखा के जाएगा, ये मैंने आपसे वादा किया था। तो देखिए इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, भाई यूनिट डिजिट अपना सब कुछ है, बेस रोजी रोटी ब्रेड एंड बटर यूनिट डिजिट, तो कैसे करेंगे देखिएगा। 9, 8, 72 आया है, ठीक है फ्रेंड्स, 9, 8, 72 आया है और क्वेश्चन मार्क मल्टीप्लाई हो रहा है। क्वेश्चन मार्क हमें पता नहीं है, इनमें से कोई ना कोई क्वेश्चन मार्क है, यही तो बात है अपनी कि भाई इनमें से कोई ना कोई क्वेश्चन मार्क है, बराबर 6 आना चाहिए। तो अब आप कॉमन सेंस लगाइए कि 6 कब आ सकता है, या तो 2, 3 से मल्टीप्लाई हो, मतलब जिसका यूनिट डिजिट आंसर का यूनिट डिजिट 3 हो तो 6 आ सकता है, ठीक है, या फिर 2 के पाड़े में 6 कब आता है, 2 1 = 2, 2 2 = 4, 2 3 = 6, 2 4 = 8, ठीक है, 2 5 = 10, 2 7 = 12, 2 7 = 14 और 2 8 = 16। तो भाई 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो भी तो यूनिट डिजिट 6 आता है, ठीक है ना फ्रेंड्स। तो अब आपको बस ये देखना है कि ऑप्शंस में 3 है क्या कहीं पे, तो आपको 3 दिख रहा है, नहीं है, 8 तो है, तो यही आंसर है हमारा, पहली बात। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन उठेगा, सर नन ऑफ दीज भी तो है, बिल्कुल सही बात है आपकी दोस्तों, इसका भी मेरे पास एक तरीका है कि आप एग्जाम में कैसे चेक करेंगे कि आंसर हमारा 128 ही है क्या, ठीक है, 100 मतलब 8 तो लास्ट में है ही, समझ रहे हैं ना, क्योंकि 3 तो है ही नहीं, समझ रहे हो मेरी बात। तो अब आप चेक कैसे करेंगे, सबसे बड़ा कॉमन सेंस ये है, तो चेक कैसे करेंगे दोस्तों, अब आप देखिए, मैं अब चीज बहुत अच्छी बताने वाला हूं, बस समझ लेना। देखिए आपने क्या किया था, 9 का 8 से मल्टीप्लाई किया था ना, तो आपका 2 आया, देख सिर्फ सब ये माइंड कैलकुलेशन है, 2 आया, 7 आगे चला गया, 7 हमारा आगे चला गया, फिर मैंने क्या किया, 9 का 4 से मल्टीप्लाई किया तो कितना होता है, 36 होता है, और 7 हमारा आगे था तो कितना किया, 36 और 7 43, तो 3 आया, ठीक है 43 आया, तो 3 मैंने यहां लिख दिया, 4 कैरी हो गया अपने पास, 4 कैरी हो गया, 9 7 का कितना होता है 63 और 4 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 63 और 4 करेंगे तो 67 आ रहा है, यही हो रहा है ना फ्रेंड्स, 6732 हो रहा है, ठीक है। अब आपको करीबन पता लग गया ये चीज कि 6732 आ रहा है, मतलब 67 लगभग 70 के करीब, और यहां कितना है हमारे पास 86 है ना। अब मेरे दोस्तों आपको पता है 12 7 84 होता है, मतलब 12 का 7 से इंटू करेंगे तो 84 आता है, तो ऑब्वियस सी बात है, तो हमारे पास ये क्वांटिटी कम है, ये क्वांटिटी भी कम है, ऊपर से फिर हमारे पास आंसर कितना है 138 है, तो 128 हमारा आंसर है, तो ऑब्वियस सी बात है 12 से ऊपर जाएगा तो करीबन 130 के करीब आ जाएगा उत्तर, और 86 भी बनाना है तो 84 ही है, बढ़ाएंगे, ठीक है, तो हमारा आंसर 120 आ जाएगा। ये कॉमन सेंस वाला था, आप आसानी से दे सकते हैं, यही ट्रिक्स होती है फ्रेंड्स, स्मार्ट वर्क किसी को कहते हैं, रिस्क तो लेना ही पड़ेगा, रिस्क नहीं लेंगे तो हम आंसर कैसे देंगे फटाफट से। तो ये मेरा एक तरीका है जो मैं आपको देना चाहता हूं कि इस तरीके से आप बहुत जल्दी आंसर दे सकते हैं, अपना आंसर सी हो गया फ्रेंड्स, ठीक है ना। चेक कैसे किए, समझ में आ गया कि 84 से तो ऊपर आ रहा है, बिल्कुल सही जा रहा है हमारा कि हम 12 से लेंगे 128 हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, देखिएगा।
ओके फ्रेंड्स, ये है आपके सामने अगला क्वेश्चन। ये भी कुछ आपको देने वाला है, सब चीज मैं आपको कंसेप्ट से बताने वाला हूँ। देखिए कैसे करेंगे। अब आपको पता होना चाहिए इसका रूट क्या होता है। अब आपको नहीं पता है तो इसका आंसर भी हम दे सकते हैं कि अगर देखिए यूनिट डिजिट 5 है, सिंपलीफिकेशन का सवाल है, अप्रोक्सीमेशन की कोई बात नहीं हो रही है, तो यूनिट डिजिट दो दो के पेयर बनाए। यूनिट डिजिट 5 है तो सीधी सी बात है पहला तो 5 होगा। ये 30 किस किस के बीच में आता है? 30 आपको पता है किस किस के बीच में आता है, किस किस के स्क्वायर के बीच में आता है, आपको बस इतना सा पता होना चाहिए, आंसर आप आसानी से दे सकते हैं। तो अब आप देखिए 5 का स्क्वायर कितना होता है 25 और 6 का स्क्वायर होता है 36, तो इसके बीच में तो लाई कर रहा है हमारा 30, तो पीछे वाला हमेशा लेते हैं तो 55 हमारा इसका आ जाएगा स्क्वायर रूट, ठीक है ना। तो ये चीज आपको पता है पहले से ही, लेकिन फिर भी मैं हर चीज आपको बता के चलना चाहता हूँ क्योंकि यूजर्स हर तरीके का है और हर तरीके से समझना चाहता है, तो बिल्कुल आपको ये चीज पता होनी चाहिए। देखिए 55 आ गया, बात मैंने वही कही थी, अगर रूट में ये आ जाए, बोला था ना पहले क्वेश्चन में ही बोला था, अगर रूट में ऐसा कुछ आ जाए तो आंसर आएगा बड़ा, आंसर आएगा बड़ा अगर ऐसा कुछ आ जाए तो, ठीक है। तो अब मल्टीप्लाई बाई 55 है और 2695। अब आपको फ्रेंड्स मैं आपको साफ साफ बोल देता हूँ कि हमेशा ऐसा नहीं होगा कि टेढ़ी उंगली से घी निकलेगा, हम सीधी उंगली से भी घी निकालेंगे। देखिए कैसे, 11 से मैंने 5 टाइम्स काटा, 11 टू जा 22 बचे 4, 11 4 जा 44 बचे 5, 11 5 जा 55, तो ये 5 से चला गया 49 टाइम्स और हमारा स्क्वायर दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे तो 49 का स्क्वायर सीधी सी बात है आपको पता है 50 का स्क्वायर कितना होता है 2500 से कम वाला हमारा आंसर है और यूनिट डिजिट हमारा 9981 आना चाहिए, तो ऑब्वियस ही बात है ये आंसर नहीं होगा, ये आंसर नहीं होगा 2500 से कम, तो 2601 तो भूल के भी नहीं हो सकता, 2401 हमारा आंसर हो जाएगा, 2500 से कम है और 49 का 2401 होता है। ओके फ्रेंड्स, क्वेश्चन मार्क आ गया, क्वेश्चन मार्क क्या आ जाएगा 2401, ऑप्शन ए का हमारा आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, ठीक है ना। तो ये चीज आपको समझ में आ गई होगी आई होप सो। स्क्वायर याद करने की ट्रिक भी बहुत सारी है, मैं आपको एक बार थोड़ा सा डिक्टेट कर देता हूँ। देखिए आपको पता है 40 का क्या होता है 1600 होता है, ठीक है ये तो पता है ना। अब बस आप ये करते जाना कि आपको 41 से स्टार्ट करना है और कहां तक जाना है 50 तक जाना है, कैसे चलेंगे 1600, 9 का स्क्वायर 81, फिर 17 कर देना, 18 कर देना, 19 कर देना, अब बस वही करते जाना। देखिए 9 का 8 का 7 का 1849 36 है ना, 20 25 21 21 के बाद यहाँ 25 के नीचे क्या था 16, तो ऐसे करते जाना आंसर आ जाएगा, आंसर बिल्कुल आ जाने वाला है। ये आपको याद करने की ट्रिक है कि आप कभी भूलेंगे ही नहीं, ठीक है ना। इस तरीके की एक ट्रिक होती है, मैं आपको हर चीज देना चाहता हूँ जो एडवांस लेवल तक आपके काम आए, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये हमारा इस क्वेश्चन का उद्देश्य था कि आप आंसर कैसे देंगे यूनिट डिजिट से फटाफट से, 2500 से कम 2401 आंसर हो गया। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, नए कंसेप्ट पे चलते हैं, देखिएगा। ओके फ्रेंड्स, देखिए इससे आसान क्वेश्चन नहीं मिलेगा, अच्छा क्वेश्चन है समझ लीजिएगा। आपको पहले ही बता चुका हूँ पावर के ऊपर पावर आए तो गुणा हो जाती है सारी पावर्स, ठीक है। लेकिन हमारे पास यहाँ पे 9 है तो ऑब्वियस ही बात है यहाँ 9 बनाना है किसी भी कीमत पे, तो 3 का स्क्वायर 9 कर देता हूँ ना मैं, 3 का स्क्वायर 9 करूंगा, इसके पावर 6 है, इसके ऊपर पावर 4 है, तो पावर के ऊपर पावर होती तो मल्टीप्लाई हो जाती है, 6 × 4 हमारा आंसर आ जाएगा और 9 के बेस से हमें कंपेयर करना है तो 9 की पावर 24 बराबर 9 का पावर क्वेश्चन मार्क, तो क्वेश्चन मार्क का मान आ जाएगा 24, तो आंसर आ जाएगा हमारा डी। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को करना है, ठीक है फ्रेंड्स। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, अच्छे कंसेप्ट है, बहुत अच्छी वीडियो है, आप बिल्कुल इसको लाइक करेंगे और इसको फ्रेंड्स तक शेयर भी करना। ओके फ्रेंड्स, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको भी बहुत अच्छे तरीके समझाने वाला हूं, हर चीज इंपॉर्टेंट है। देखिएगा फिर से वही बात है, 83 यहां पे दे रखा है, सारी पावर कंपेयर करनी है, एक क्वेश्चन आपको जरूर देखने को मिलेगा। पहले बोर्ड मॉस रूल को हमें दिमाग में लाना है, डिवाइड करना है, इसको मैं एक सेकंड में करने वाला हूं इस क्वेश्चन को, आप इसको समझ जाएंगे मेरे से वादा कीजिए। देखिए कैसे करते हैं इस क्वेश्चन को, देखिए डिवाइड में लाऊंगा 27.3 है तो मुझे इससे कोई मतलब नहीं है दोस्तों, अभी बस मुझे क्या करना है 3 में से, क्योंकि डिवाइड में लाते हैं तो पावर घटती है ना, बस इतनी सी बात आपको ध्यान रखनी है कि डिवाइड में लाते हैं तो पावर घटती है, तो मुझे 27.3 में से 1.4 घटाना है, तो मुझे घटाना ही नहीं है, मुझे तो यूनिट डिजिट से काम लेना है, तो 3 में से मुझे 4 घटाना है, 3 में से कभी 4 जाता नहीं है, तो 13 में से 4 घटाएंगे तो कितना बचेगा भाई, यहां से मतलब कैरी ले लेते हैं ना अपन, यहां से कैरी ले लेंगे तो 13 बन जाएगा, बस इतना सही तो काम है, तो 13 में से 4 गए तो कितना बचेगा हमारे पास 9, ठीक है। तो अब मेरे पास यहां आ गई पावर 9, ठीक है, यूनिट डिजिट में पावर आ गई 9, तो 9 और 8 कितना होता है, चीज समझना दोस्तों। अब यहां पे मेरा 9 आ गया, 83 की पावर मान लीजिए कुछ भी हो आगे मुझे नहीं मतलब है, यहां पावर में 9 है पहले, ठीक है ना। अब देखिए यहां मल्टीप्लाई हो रहा है किससे, 83 की पावर यूनिट डिजिट 46.8, तो मुझे 8 से मतलब है सिर्फ, तो 9 और 8 कितने होते हैं 17, तो ऑब्वियस ही बात है 17 आ गया,
तो 17 में से बस आपको 9 घटाना है। मैं यूनिट डिजिट पे बेस काम कर रहा हूं सारा, तो 17 में से 9 जाएंगे तो कितना आएगा 8, तो ऑब्वियस ही बात है। अब आप आंसर देख लीजिए ऑप्शन में, तो 40.08 आपका आंसर हो गया सिर्फ, क्योंकि यूनिट डिजिट में आपका 8 आना चाहिए, तो सिर्फ एक ही ऑप्शन में है, सी ऑप्शन आप क्लिक कर सकते हैं। तो इतने छोटे छोटे बड़े बड़े क्वेश्चन हम बहुत आसानी से कर रहे हैं, 30-30 सेकंड में आप भी कर पाएंगे, बस प्रैक्टिस की जरूरत है। इस वीडियो को एक बार में नहीं 2-3 बार देखिए और आसानी से इन कॉन्सेप्ट्स को सीखिए दोस्तों, ठीक है फ्रेंड्स। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, देखिएगा। ओके फ्रेंड्स, ये है हमारा अगला क्वेश्चन, इसको भी हम ट्रिक से करने वाले हैं, सारे क्वेश्चन में ट्रिक से बताने वाला हूं, सीधे सीधे तो आप भी कर लेंगे मल्टीप्लाई करके, इसमें से इसको माइनस करके बहुत आसानी से हो जाएगा, इसको 2 सेकंड में करने वाले हैं। कैसे करेंगे देखिएगा, यूनिट डिजिट मेथड सबसे बेस्ट मेथड है, आपको मैं प्रूफ करके दिखा दूंगा। देखिए कैसे, 6 18 हो गया, तो ऑब्वियस ही बात है यूनिट डिजिट 8 आने वाला है दोस्तों, ठीक है, बस आप ये समझ लीजिए यूनिट डिजिट 8 आने वाला है, ठीक है ना फ्रेंड्स, ये 8 आने वाला है। 341.20 है हमारे पास, मुझे पॉइंट वॉइंट से कोई मतलब नहीं है, मुझे बस यूनिट डिजिट से मतलब है, बस ये देखना है कि यहाँ पांच डिजिट का नंबर है ना, तो ऑब्वियस सी बात है जब 3 और 2 का मल्टीप्लाई होता है, अगर 3 डिजिट का नंबर और 2 डिजिट का मल्टीप्लाई होता है तो 5 डिजिट का नंबर बनता है, ये कंसेप्ट आपको पता होना चाहिए, अगर आप मैथ कर रहे हैं तो ये आपको पता होना चाहिए कि 5 डिजिट का ही नंबर बनेगा, तो ऑब्वियस सी बात है आपका यूनिट डिजिट 8 होगा, होगा ना फ्रेंड्स, क्योंकि मैंने इंटू किया है, बस 6 का 3 से इंटू किया है और 8 बनेगा, जीरो का तो सवाल ही पैदा नहीं होता क्योंकि यहाँ 0 आ ही नहीं सकता है फ्रेंड्स, और अपॉन में 100 जाएगा तो 0.2 छोड़ के 0 लगा दूंगा कहीं पे भी, यही तो बात होती है, तो पॉइंट के नीचे पॉइंट जम जाएगा, और लास्ट की जो 6 18 है तो 8 तो यहाँ आने ही वाला है, ठीक है 8 तो यहाँ आने ही वाला है, लेकिन अब कंसेप्ट क्या कहता है हमारा कि ये क्वेश्चन मार्क इधर जाएगा, क्वेश्चन मार्क तो इधर हो जाएगा भाई, नेगेटिव का क्वेश्चन मार्क है ना, तो ये इधर आ जाएगा और हमारा 8 यूनिट डिजिट है वो इधर चला जाएगा, तो वो घटेगा किस में से 0 में से, तो 0 में से तो 8 जाता नहीं है, तो किस में से जाएगा, एक कैरी ले लूंगा 2 से यहाँ पे, तो ये हो जाएगा 10, तो 10 में से 8 गए तो यूनिट डिजिट हमारा आना चाहिए दोस्तों 2, ठीक है, तो 2 हमारा यूनिट डिजिट आना चाहिए। क्या कहीं ऑप्शन में 2 यूनिट डिजिट दिख रहा है क्या, नहीं दिख रहा तो नन ऑफ दीज आंसर है। तो देखिए कितने आसान तरीके से हम क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं दोस्तों, 10-10 सेकंड में क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, बस यही कंसेप्ट आपको समझाने के लिए ये वीडियो है, आप कभी भी कहीं भी डिपीट नहीं खाएंगे अगर इस क्वेश्चन को इस तरीके को समझ लेते हैं यूनिट डिजिट की, समझ रहे हैं ना दोस्तों। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, देखिएगा। ओके फ्रेंड्स, देखिए अपना अगला क्वेश्चन है 9 क्वेश्चन, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ऐसा क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा, तो देखिए इस तरीके को कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को, वही बात प्लस प्लस को एक तरफ कर लेते हैं, एक तरफ है तो देखिए कितना है 12 और 10 22, ठीक है ना, मैंने आपको पहले बताया था कि क्या होती है टर्म 12 सही 1/3 को क्या लिख सकते हैं, 12 + 1/3 ही है दोस्तों ये, तो मैं अलग अलग करके लिख दूं तो ऐसे लिख दूं बात बराबर है, तो आप कंफ्यूज नहीं हो इन चीजों से। तो अब देखिए इसको हमने क्या किया, बस कि 12 + 1/3 लिख दिया, तो मैं फ्रैक्शन को अलग कर लूंगा और नंबर को अलग कर लूंगा, तो 12 और 10 22 को पॉजिटिव का हो गया, माइनस 7 और 1 8, ठीक है। तो अब आपको कैसे घटाना है, घटाने का तरीका भी मैं बता देता हूं, देखिए यहां से 2 घटाइए 20 हो गया, यहां से 2 घटाइए 6 हो गया, तो अब आपका कितना हो जाएगा, ये 14 हो जाएगा, ठीक है ना, तो ये देखिए 14 आ गया यहां से, तो अब आपको पता चल गया कि 22 में से आपके 8 गए तो 14 आ गया। बात आती है प्लस में फ्रैक्शन की, ठीक है ना, फ्रैक्शन क्या है हमारे पास 1/3 है प्लस 5/6 है, ये प्लस के हैं, माइनस के क्या है -2/3, ठीक है, और -4/7, ठीक है। तो अब इसको तो हमारे पास कोई चारा नहीं है क्योंकि हमारे पास बेस समान नहीं है, और बेस समान करने के लिए हमें एलसीएम लेना पड़ेगा, तो सो ऑब्वियस ही बात है वो एलसीएम ही लेते हैं, यहाँ प्लस में है 14 प्लस, और अब ये एलसीएम वाली बात चल रही है, और एलसीएम कितना आएगा, देखिए एलसीएम आएगा 7 और मैक्सिमम क्या है 6, तो 42 एलसीएम आ जाएगा, 7×42, ठीक है। अब 3 का इसमें डिवाइड करेंगे तो 14 प्लस, तो ये 35, देखिए 6 का डिवाइड इसमें किया 7×5 = 35, माइनस इसमें क्या 24×28 -24, ठीक है। देखिए ये इनको सॉल्व करेंगे तो नेगेटिव में आएगा वो क्या आएगा, देखिए वो आएगा 49 -52/42 प्लस 14 प्लस है, तो अब इसको मैं यहां सॉल्व कर देता हूं, 14 -3/42, अब ये माइनस में चल रहा है फ्रेंड्स, तो अब देखिए ये हो गया, ये मैंने काट दिया 3 से, तो 14 -1/14 ये हो गया, ये आपने सॉल्व कर लिया, 14 - 1/14 आ गया दोस्तों। अब इसको कैसे सॉल्व करना है मैं आपको बताता हूँ, देखिए 4×16, ठीक है, 4×4 = 6 आ रहा है, और 6 में से 1 गया तो 5 आएगा यूनिट डिजिट। अब आप चेक कर लीजिए यूनिट डिजिट 5 किस में आ रहा है, 4×3 = 12 + 3 5 आ रहा है यूनिट डिजिट, ठीक है ना, 4×3 = 12 + 1 = 3 आ रहा है, 4×1 = 4 और 3 = 7 आ रहा है, 4×12 = 13 आ रहा है, तो सीधी सी बात है आंसर यही है, ठीक है ना, इसी तरीके से सॉल्व होते हैं चीजें क्वेश्चंस, ऑप्शन में तो आंसर तो देगा ना फ्रेंड्स। अब आप कहेंगे नन ऑफ दीज,
बहुत रेयर चांसेस होते हैं नन ऑफ दीज के, क्योंकि हम पूरी कैलकुलेशन करके इस क्वेश्चन को कर रहे हैं, तो ऑप्शन वाला कभी भी स्मार्ट वर्क को हमेशा सराहनीय होती है चीजें, तो आप इसका आंसर ए दे के आएंगे और ऑप्शन से भी आप चेक कर सकते हैं इसका आंसर यही आने वाला है, ठीक है ना। क्योंकि आपको जानते हैं 14 का कितना होता है 196 माइनस 1 अपॉन 14, तो 195 बाई 14, अब इसको मल्टीप्लाई करके देख लिया आपको चेक करना है तो डेफिनेटली आपका आंसर आ जाएगा। तो जो कि स्मार्ट वर्क है यूनिट डिजिट वाला, वो सारी चीज मैंने आपको इंप्लीमेंट करके बता दी है, ये सीखने की चीजें हैं, ठीक है ना, आप बिल्कुल सीख सकते हैं इनसे। और लास्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, देखिएगा वो भी अच्छा क्वेश्चन है। देखिए जो चीजें हमारे लिए आसान है वो पहले करेंगे, इसको डिवाइड करना बहुत आसान है, आपको पता है 19 दूनी 38 होता है, 21 दूनी 42 होता है, तो 1921 आ गया, ठीक है ना फ्रेंड्स। अब आपको पता है 15% ऑफ किसका, आंसर का 15% ये आएगा, यही तो बात है, और 1921 माइनस होगा, तो 1921 में से एक यूनिट डिजिट है इसका, तो 9 में से एक माइनस किया तो 8 आने वाला है, 8 आने वाला है, तो 15% किसी का भी मतलब जो क्वेश्चन मार्क है हमारा उसका यूनिट डिजिट 8 आना चाहिए। अब यहाँ कहीं 8 दिख नहीं रहा है आपको, तो बिल्कुल क्यों दिखेगा दोस्तों, क्योंकि 15 में 5 आ रहा है पहले, तो किसी क्या पता 0 हो रहा हो, लेकिन 8 तो हमारा आएगा ही, ठीक है यूनिट डिजिट। तो कैसे चेक करेंगे देखिएगा, इसका आंसर हम कैसे देंगे ये देखिएगा आप, ठीक है। तो अब मैं इनटू करता हूं, ठीक है, 15 दूनी 30, क्योंकि क्वेश्चन मार्क हमारे पास क्या है 35 20 है ना भाई, क्वेश्चन मार्क मैंने ऑप्शन पहले लिया, तो 15 दूनी 30 0 हासिल लगी 3 15 5 75 भाई, 15 का 5 से किया और 3 78 8 आ गया ना, तो बस यही हमारा आंसर है, और बाकी आप चेक कर लीजिए किसी में भी नहीं आएगा। यही तो ट्रिक है यूनिट डिजिट का, कि यूनिट डिजिट हमेशा एग्जिस्ट करता है कहीं ना कहीं, समझ रहे हैं ना आप, क्योंकि 15% क्या है हमारे पास 30/2, ठीक है 30/2 भी तो लिख सकते हैं इसको, तो क्वेश्चन मार्क को इंटू कीजिए, 8 दूनी 16 कीजिए 6 आ गया, ठीक है ना, तो 3 दूनी 6 आ गया, तो ऑब्वियस ही बात है यूनिट डिजिट 2 आ गया, ये भी आंसर। तो आप बिल्कुल आंसर दे सकते हैं किसी भी चीज से, ये चीज समझ में आई। मैं दोबारा बोलता हूं आंसर कैसे देंगे, दोबारा बोलता हूं, ये तो एक ट्रिक थी कि आपको 15% से क्वेश्चन का इंटू करना था। अब देखिए एक और ट्रिक सामने आ गई है आपके तुरंत, देखिए क्या है वो समझ लीजिए आप, ठीक है, वो ट्रिक क्या है देखिए, प्रैक्टिस करने से क्या क्या चीज दिमाग में आ जाती है। 15% था, ठीक है, एक नई ट्रिक बता रहा हूं आपको, ध्यान से समझना दोस्तों, 15% था क्वेश्चन मार्क है, तो 15% को मैं क्या लिख सकता हूँ 30/2 लिख सकता हूँ ना, 30% / 2 ऑफ क्वेश्चन मार्क बराबर यूनिट डिजिट 8 आना चाहिए, यही तो बात है, यही है ना। तो 2 का मैंने इधर इंटू कीजिए कर दिया, 2 का मैंने इधर इंटू कर दिया, तो कितना आया यूनिट डिजिट 6 आया, और मेरे पास यहाँ पे क्या है 3 है, क्योंकि अपॉन 100 कर दूंगा 0 तो कट ही जाएगा ना, 3 से मैंने ये 6 काटा कितने टाइम 2 टाइम्स काटा ना दोस्तों, तो बस वही तो है। अगर मैं यहाँ परसेंटेज को 1/100 लिखूंगा तो 0 से तो 0 कट ही जाएगी और नीचे 10 रहेगा, तो 10 इंटू हो जाएगा, तो 20 आना चाहिए लास्ट में, किसका आ रहा है यही आ रहा है, तो ऑप्शन नंबर ए ही आंसर होगा। बहुत सारी चीजें करने के लिए आप किसी भी तरीके से आंसर दे सकते हैं, बस स्मार्ट वर्क और स्मार्ट अप्रोच ये है, आपको समझ में आया होगा सारे क्वेश्चन हमने इससे किए हैं, आप भी बहुत सारी प्रैक्टिस कर सकते हैं। आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, आई होप सो, इस वीडियो को लाइक करना ना भूलना दोस्तों, ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियो, ऐसी ही ट्रिक की वीडियो मैं आपके लिए और लाता रहूंगा। इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें, जिससे लेटेस्ट वीडियो के अपडेट आपको तुरंत मिल जाए दोस्तों। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।